महाराष्ट्र के नागपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मनाई जा रही है। नागपुर के हिंगना अंतर्गत आने वाले ओम नगर में करुणा बोध विहार पर यह जयंती दो दिन तक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के आयोजक धनराज वासनिक ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल की सुबह लगभग 10 बजे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से पहले परेड एवं उसके पश्चात झंडा वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रकार शाम 6 बजे भव्य रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष बच्चे आदि उपस्थित है। रैली वागधरा अंतर्गत आने वाले लुम्बिनी बुद्ध विहार से प्रारंभ हुई और करुणा बोध विहार ओम नगर वार्ड क्रमांक 2 होते हुए उत्क्रांति बहुद्देशी संस्था शिवनगर से वापस लुम्बिनी बोध विहार पहुंचने के उपरांत संपन्न हुई। इस प्रकार 15 अप्रैल को शाम 7 बजे करुणा बोध विहार ओम नगर के आयोजकों द्वारा भव्य भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। देर रात्रि तक सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर शिवदास चौधरी, रमेश कड़वे, धनराज वासनिक, प्रशांत अधव, गौतम वासनिक, शिवराज बांगड़े, वैद्यनाथ कावड़े, राजेंद्र हिरडे, प्रवीण बर्डे, दिलीप रामटेके, रामलाल मेश्राम, महेंद्र चौरे, नरेश अंबुले, बंडू राहंगडाले आदि लोग मौजूद रहे। इस प्रकार हिंगना तहसील अंतर्गत आने वाले ईसासनी के वार्ड क्रमांक 1 अशोक सम्राट बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कार्यक्रम 2 दिनों तक धूमधाम से संपन्न हुआ। साहब अम्बेडकर 132वीं जयंती निमित्त हम हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्सव उल्लास के साथ जयंती मनाया और हम हर साल ऐसे ही करते रहेंगे।